कैश एंड क्वेरी मामले को लेकर एथिक्स कमेटी की बैठक होने वाली है। सूत्रों की माने तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कमेटी बैठक के बाद कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। एथिक्स कमेटी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने के लिए कह सकती है। इसी बीच टीएमसी सांसद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महुआ फुटबॉल खेलती नजर आ रही है, देखिए वीडियो। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए महुआ ने लिखा, लीडर होकर गेंद को किक करना हमें सबसे अच्छे से आता है। टीएमसी सांसद ने अपनी पोस्ट में वीडियो के बारे में बताया है कि 8 नवंबर 2023 का नादिया जिले का नकाशी पारा है। बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लगातार चर्चे में है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया है, जिसके बाद एथिक्स कमेटी में पेशी के दौरान भी बवाल देखने को मिला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 8 नवंबर को दावा किया कि मोइत्रा पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। बीजेपी सांसद के दावे को लेकर महुआ मोइत्रा ने भी जवाब दिया है। महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर गृह मंत्रालय को टैग करते हुए लिखा, नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मुद्दा ये है कि कैसे संदिग्ध एएफआई स्वामित्व वाली चीनी और संयुक्त अरब अमीरात सहित कंपनियां भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों को खरीद रही हैं। इसके बाद सीबीआई आपका स्वागत है, आइए मेरी जूती काउंट कर ले। उन्होंने इससे पहले भी ऐसा बयान दिया था। टीएमसी सांसद ने कहा था कि इससे पहले कि सीबीआई और ईडी मुझसे ये पूछे कि मेरे पास कितने जोड़ी जूते हैं, उन्हें अडानी मामले पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से मोटी रकम और तोहफे लिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को मामला हैंडओवर कर दिया। आज इस मामले को लेकर एथिक्स कमेटी की बैठक है।